Hello friends, welcome back my YouTube channel Anyone Can Design. Friends, now I will show you that how can manipulate a West fantasy manipulation. Please friends, watch full video, because if you skip video then you miss any important commands or option which I will show you at that time period. So don't skip any, and if you like my video then like, share and subscribe my channel. Now let's continue friends, and if you like, so please friends, you share this video. Okay, thanks. So please watch continue. Now I will let's continue. Okay friends, hello friends, I have some pictures, images, so I can manipulate this images. You can see that how can manipulate this image. Okay, so let's start. This image I manipulate, it's really nice looking, great manipulation, light manipulation. So you can watch continue that how can you manipulate this type image. Okay, let's start. We have some images like lion, apple. Oh, this is a child image, and then night nature vision image. और आप देखिएगा कि मैं कैसे कैसे इसको मैनिपुलेट करता हूँ. ओके, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ. मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. फ्रेंड्स हमारे पास ये कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, तो आप देखिए अब मैं कैसे इनको मैनिपुलेट करूँगा. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक नई लेयर चाहिए, नई इमेज चाहिए, सॉरी, ठीक है, एक न्यू फाइल चाहिए जिसपे जिसका साइज है 1280x1280 एंड 720x720, ठीक है. ओके, ये हमारे पास एक ब्लैंक आ गई. हम यहाँ पे अपनी जो जो इमेजेस चाहिए हमें वो उठा के लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बैकग्राउंड में चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उठा के यहाँ पे पुट करना. देखिए ये हमारा बैकग्राउंड हो गया फ्रेंड. अब क्या करना है हमें, अबे यहाँ पे एप्पल इसको हम हटा देते हैं, हमें ये एप्पल, देखिए मैंने इसको पीएनजी में पहले ही कन्वर्ट कर रखा है. मैं बता दूंगा आपको कि पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स. ये हमारे पास एप्पल आ गया, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ पुट कर दिया, ठीक है. क्या करना है मुझे, मैं इसको ये वाइट जो है इसको हटा लेता हूँ, इरेज जर से इसको इरेज कर लूँगा मैं वाइट पोर्शन को इसके. मैंने इस यहाँ पे इरेजर में हार्डनेस ज़ीरो रख रखी है, आप चाहें तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बट आप फुल हार्डनेस नहीं करेंगे. अगर आप फुल कर देंगे तो वो जो स्मूथनेस आ रही है ना वो नहीं आएगी, ठीक है. ये रेज हो गया, अब हमें क्या करना है, लाइन को लेके आना है, ठीक है, इसको ले जाके हमें यहाँ पुट करना है इसके ऊपर,
इसको स्मॉल कर लेंगे, छोटा साइज का। इसको देख लेंगे ओपेसिटी कम करके कि ये फिट बैठ रहा है नहीं। देखिए काफ़ी बड़ा हो रहा है अभी, इसको छोटा कर लिया। ठीक है, इसको ऊपर, इसको यहाँ से और यहाँ से छोटा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, देन इसको ओके। अब हमें क्या करना है, वेरी सिंपल। यहाँ से ये दिख रहा है आपको नॉर्मल, इस पर क्लिक करना है और हमें इसको करना है ओवरले। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ओवरले। अब क्या करना है हमें, इसको जो बाकी पोर्शन दिख रहा होगा इसको आपको इरेजर से इरेज कर देना है। यू कैन इरेज दिस पोर्शन विद द हेल्प ऑफ इरेजर। ओके, ताकि ये थोड़ा, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो वो वहाँ सही नहीं लगता। ये हो गया हमारा इरेजर से इरेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक डुप्लीकेट लेयर और बना लेंगे इसकी। ये जो लाइन था उसको कंट्रोल वे प्रेस करके, देखिए ये आ गया, ये थोड़ा डार्क हो गया। हमने ये ऐसा क्यों किया, ताकि ये थोड़ा लाइट था इसको डार्क, हम इसको वैसे भी डार्क कर सकते थे लेकिन वो इफेक्ट नहीं आता जो हम लाना चाहते थे। ठीक है, तो हमने इसको डार्क कर लिया। अब ये देखिए एप्पल के अंदर प्रॉपर एक लाइन की शेप आपको दिख रही है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ से मैंने, मेरे पास ये इमेज थी इसको सेलेक्ट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको डीसेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस डी से डीसेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको दोबारा से सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ इसको। इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम, इसके ये जो शेडो दिख रही है हमने उसको भी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि बाद में वो वहाँ पे लगाएंगे तो शेडो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें अलग से, यही शेडो हमारी काम करेगी। ठीक है, इसको देखिए ये हमारा सेलेक्ट हो गया यहाँ पे जो हम नहीं चाहते थे, तो इसको डिसलेक्ट करने के लिए हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, देन इसको डिसलेक्ट करते रहेंगे माउस को क्लिक कर करके। जहाँ जैसे सेलेक्ट करते हैं वैसे ही डीसेलेक्ट कर दिया जहाँ जहाँ हमें नहीं चाहिए था। ठीक है, हमारे पास ये सेलेक्ट हो गया है। क्या करना है हमें, सेलेक्ट टूल से इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। देखिए ये आ गया। ओके, इट्स लुकिंग सो नाइस फ्रेंड्स। इसको हमें लेना है, सॉरी इसको सेलेक्ट करना है, देन आपको, सॉरी लाइट चेंज कर दे। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस कंट्रोल। फोटोशॉप में क्या होता है कि एक बार कंट्रोल जेड कर सकते हैं अंडो, बट अगर आप ऑल्ट कंट्रोल देन जेड करेंगे तो आप काफ़ी बार इसको अंडो कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम ये हटा ही देते हैं, इसको इरेजर से इरेज कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। इरेजर का साइज़ यहाँ से कम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको हटा दिया हमने। ये देखिए हमारे पास ये आ गया।
अब ये हम मून को यहाँ नहीं, ये हमारा इसके लीफ के पीछे आ रहा है, तो हम इसको चेंज करने के लिए यहाँ से पहले मून ये बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट करी, देन फिर ये है हमारा पैच टूल, इसको सेलेक्ट किया हमने, और उतना पोर्शन यहाँ से कट किया। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहीं पे कंट्रोल सी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लिया ठीक है, और इसको यहाँ से हमने इधर उठा के यहाँ पे, तो ये बैकग्राउंड दे दिया ठीक है, वो वैसा हो गया ठीक है। अब इसको कंट्रोल डी कर दिया, डी सेलेक्ट हो गया, ये मैचिंग में आ गया थोड़ा। अब हमें वो मून भी चाहिए, तो कंट्रोल वी किया और ये मून हमारा आ गया, इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। अब फ्रेंड देखिए ये काफ़ी अलग लग रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको मैच करने के लिए, इरेज़र टूल लेंगे, इरेज़र का यूज़ करेंगे और इसको यहाँ इरेज कर देंगे इरेज़र से ठीक है। तो ये देखिए मैचिंग में आ गया, अब ये इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ओके अप्लाई, देन फिर से हम इरेज़र लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, एक मिनट इस लेयर को, देन इरेज़र, इस बार हम क्या करेंगे इरेज़र से ये देखें, ताकि हमारा ये ठीक है फ्रेंड्स, उससे हम कर रहे थे तो थोड़ा लग रहा था कि अजीब सा, इससे कर दिया ताकि यहाँ पे हमारा जो ऐसा ना लगे कि हमने अलग से लगाया, ये शाइनिंग ब्राइटनेस इक्वल हो रही है ठीक है। ओके अब हम क्या करेंगे, फिर से इरेज में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे इमेज को रेज़र, देन इसको फिर से हल्का 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 सॉरी ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा देखिए हमारे पास ये मैनिपुलेट होके आ गया ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड्स अभी हमें इसको थोड़ा सा और थोड़ा चेंज करना है, इसको कंट्रोल करके एल करेंगे हम इसके लेवल्स, इसको डार्क यहाँ से लाइट 10 डार्क कर सकते हैं, तो देखिए इसको हल्का सा डार्क कर देंगे ताकि ये लगना चाहिए नाइट का विज़न लगना चाहिए पीछे का, ओके देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मैनिपुलेशन कंप्लीट हो गया है हमारी एक वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो यू कैन कमेंट मी, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी देन टोल्ड मी इन कमेंट बॉक्स, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।